को आने से पहले जिस लास्ट संडे में आपको प्रभु के छोटे से वचन हमेशा आपके बीच में मैं डालता हूं, मैं आपसे शेयर कर रहा था सीक ए द किंगडम ऑफ गॉड, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के राज की खोज करें। और कुछ कुछ लोग को यह संदेश मिला नहीं, कुछ कुछ लोग ने मिस कर दिया है, इसलिए मुझसे मांग किया गया है कि अब एक बार फिर आपको उसी के विषय में बतला है। लेकिन वे लोग जिनको मिल गया सेकंड टाइम मिले हैं, आपको बतलाना चाहता हूं आज आप डबल पोर्शन में पाएंगे दुगने रीति से। यदि आपके मन में अच्छी तरह से नहीं लगा ला रहा आज एकदम भीतर जाएंगे और आज से आप इसको एक्सरसाइज करेंगे अपने जीवन में। जैसे हम पिछली बार आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ पे प्रेयर रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट है, पहला चीज नंबर वन सीक द लॉर्ड फॉर हिज विल एंड गाइडेंस, कि परमेश्वर से हम खोजे, कि प्रभु से मांगे इस साल परमेश्वर क्या चाहता है हम उसके लिए करें, इस साल हमारी एक एक कदम में प्रभु की अगुवाई रहे। लेकिन इस ये जो वचन है यहाँ पे जो कुछ भी आपको दिया जाता है प्रेयर लिस्ट में ये पूरी रूप से नहीं लिखी जाती है, सिर्फ एक छोटा से एक चिंगारी आपको दी जाती है, वहां से आप अपने आप उसको क्रिएट करें, यानी कि आप उसको और भी बढ़ाएं किस रूप से उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, नाना प्रकार के रूप से आप उस प्रार्थना को कर सकते हैं। लेकिन इसी चीज को देखते हुए कभी कभी हम कहते हैं सीक द लॉर्ड, परमेश्वर की खोज करें। हालेलुया। बाइबल हमें इज़ाया की पुस्तक में चैप्टर 55 वे 6 कहता है Seek the Lord while he may be found. हम परमेश्वर की खोज करें जबकि वो हमें मिल सकता है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा हम खोजेंगे उसे लेकिन हम उसे पाएंगे नहीं, वो नहीं मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा लेकिन आज हम उसे खोज कर सकते हैं। Praise the Lord। उसके विषय में यदि हम बतलाएं तो और एक लंबा कहानी हो जाए, हम उसके विषय नहीं बात करें। लेकिन खास चीज जैसे बाइबल कहती है सीक द लॉर्ड व्हाइल ही मे बी फाउंड, हम उसकी खोज करें, वचन हमें यह बतलाती है। फिर हमें मत्ती की पुस्तक में 6 अध्याय और वर्स 33 में कहते हैं सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड ऑल थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। हालेलुया। तो परमेश्वर की राज की खोज करें बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हम और तुम बाकी वस्तु के पीछे दौड़ते हैं, पैसा के पीछे दौड़ते हैं, बिल्डिंग के पीछे दौड़ते हैं, मोटर के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन प्रभु के पीछे नहीं दौड़ते हैं। बाइबल कहती बाकी चीज के पीछे नहीं दौड़ो, तुम प्रभु के पीछे दौड़ो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ग्लोरी टू गॉड। शायद कहने में ऐसा लगे कि जना ये खाली से एक कहावत है, लेकिन वास्तव में जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है वही सके समझे। इसलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के राज की खोज करें, आपके जीवन में परमेश्वर सबसे पहला हो, नंबर वन स्थान हो। यदि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में पहला है तो तुम्हें सब चीज मिल जाएगा। ना जब यहां पे कहती है खोजे, हम प्रभु की खोज करें, परमेश्वर की खोजे, उसकी राज की खोजे, ये खोजना कैसे है, मुझे कैसे उसके खोजे, कौन जाने उसके एड्रेस कहां रहता है वो, कैसे खोजे हम उसको। बाइबल कहती है उसने ही कहा हिब्रानी पुस्तक में आई विल नेवर लीव यू एंड नेवर फॉरसेक यू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा ना कभी निकालूंगा। और जिस दिन हम और तुमने उसको पुकारा यीशु मेरे दिल में आ जा, वो हमारे दिल में आके रहता है। वो कहां रहता है, वो हमारे दिल में ही रहता है, तो हम कैसे उसे खोजें। बात ये है, ये जो खोजने का मतलब है, यदि हम खोजने का मतलब ग्रीक भाषा में देखें, ग्रीक भाषा में कुछ ऐसा कहती है कि टू डिजायर फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए तुम्हारे दिल में एक अभिलाषाएं पैदा हो जाए। टू डिजायर गॉड, परमेश्वर के लिए तुम भूखे और प्यासे बन जाए, सीख के मतलब है, या डिजायर का मतलब यदि हम ढूंढे तो हम उसके बिल्कुल सहज में आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रभु के वचन के अनुसार। जो हमें मत्ती के पुस्तक में 6 अध्याय और 21 पद में मिलती है, और इस जगह पे हमें
ये जो सीख मतलब है खोजना, उसके असली अर्थ समझाती है कैसे कैसे उसे खोजे। बाइबल इस जगह पे Matthew 6:21 में कहता है फॉर वेयर योर ट्रेजर इज देयर योर हार्ट विल ऑल्सो बी। जहां पे तुम्हारा धन है वहीं पे तुम्हारा मन है। यदि तुम्हारा धन जहां पे है, पैसा कौड़ी जहां है, वहीं तुम्हारा दिमाग जाते रहे कहां है, जहां तुम्हारा धन है वहीं पे तुम्हारा मन है। जैसे कि मैंने आपको एक नमूना बताया कि एक स्त्री वो खुद हमसे बतलाती है, ये बुराई नहीं है क्योंकि हम उसके नाम भी नहीं बोले, लेकिन ये खुद हमें बतलाती है कि वो जब भी कहीं जाए, कहीं पार्टी में जाए, शादी में जाए, कहीं भी जाए, तो उसका हमेशा ध्यान रहे घरे हमारी जगह पे मोहर रखान है, इतना सोना है, इतना चांदी है, इतने दाम की चीज घर में रखान है, कहीं कोई उस पे हाथ नहीं लगा ले। तो कहीं से आए भी तो सबसे पहले जाए चेक करे वो है राइट है। तो इसी प्रकार उसके दिल वहीं पे लगा रहे। एक दिन वो शहर जाता रहा शॉपिंग के लिए, ला उसके रोज उसके मन बहुत घबरा रहा, उसके मन बहुत बहुत घबरा रहा कि हमारा सोना चांदी कोई चोरी नहीं कर ले। तो कुछ करे जो सोचे बोले छान लेके चले इसके, और वो रोज सब अपन पेस में भर ले और गए शहर शॉपिंग करने के लिए, और वही रोज चोर उसके पेस लेके भर ले। तो उसका सोना चांदी सब चले। कह रहा इसके जहां पे धन रहा वहीं पे मन रहा। ना खाली यही के नहीं, आज बहुत सारे लोग का ऐसा है, जहां पे तुम्हारा धन है वहीं पे तुम्हारा मन होता है। लेकिन बाइबल कहती है यदि तुम सभी चीज से अपना ध्यान हटा के प्रभु पे अपना मन लगा है, तुम्हारा ध्यान प्रभु पे जाए, रात और दिन तुम उसके मनन करे, उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे, उसके लिए भूख और प्यास हो, उसके वचन को पढ़े, उसके वचन को अध्ययन करे, उसके वचन को सुने, यदि परमेश्वर से लगाव हो जाए तुम्हारा, सबसे अधिक बाकी सभी चीज अपने आप आएगी तुम्हारे पास। तो चर्च में आपको बताना चाहूंगा, हम और तुम पैसा के पीछे नहीं दौड़े, धन दौलत मोटर गाड़ी के पीछे नहीं दौड़े, मोटर अपने आप आएगा, घर बिल्डिंग आएगा अपने आप आएगा, पैसा सब दौड़ के तुम्हारे पास आएगा, लेकिन तुम परमेश्वर के पीछे दौड़े। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं विश्वास करता हूं छोटा सा वचन आप सभी को उत्साहित करे। मैं हम आज के प्रचारक नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, इसे हम थोड़ा सा टाइम चोरी करता है प्रचारक से आपको उत्साहित करने के लिए, और इस समय मैं आज के प्रचारक का निमंत्रण